मनुष्य आज जहां नित नई और डिजिटल इंडिया जैसी सुविधाओं के साथ जी रहा है, वहीं 22वीं सदी में भी आधुनिकता से कोसों दूर ग्राम पंचायत बरूरा क्षेत्र स्थित जवा दोहर में बैगा जनजाति के 20 घरों के बीच 100 सदस्य ऐसे रहते हैं। इतना ही, ये लोग आदिम युग की तरह कंदमूल और गेठी फल खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपको देखकर आश्चर्य होगा और शायद आप इस डिजिटल युग में यह अंदाजा लगा पाएंगे कि सरकार के जो वादे हैं वह जमीनी स्तर पर किस तरीके से पूरे हो रहे हैं। आज भी यह ऐसे क्षेत्र हैं जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं। इसके बावजूद आज भी शासन ने इनके लिए अभी तक किसी भी तरह की कोई सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई हैं। सर्दी का मौसम चल रहा है, इधर कई दिनों तक कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद इन बैगा जाति के गरीब लोगों तक कंबल की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। ऐसे में जाड़े की ठिठुरती ठंड में प्लास्टिक नुमा झोपड़ी में अपने परिवार के साथ एक बोरे के सहारे रहना और रात भर ठिठुरना, एक लावारिस और लाचार बेबस की तरह पड़े रहना, आखिर सरकार की कौन सी वाहवाही इसमें नजर आएगी। आपको बता दें, प्रतापपुर प्रखंड मुख्यालय में कंबल का अभाव होना या उन तक नहीं दे पाना, इन सुविधाओं का अभाव इन गरीब बैगा बिरहोर के बीच में जाना नहीं चाहते या फिर कोई और बात है जिसकी वजह से यह सभी परेशान हैं। शायद मजबूरी में प्लास्टिक नुमा घर में रहकर खुले आसमान के नीचे धरती में रात बिताने को मजबूर हैं। भले ही आदिम सभ्यता में जीने वाले ये लोग राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हों, परंतु शासन प्रशासन के लाखों दावों के बावजूद भी इनके सामने दो जून की रोटी की व्यवस्था बेहद कठिन है। बैगा जाति का अपना एक अलग इतिहास है। पूर्व में भी इसी तरह जंगल की गुफा कंदरा में रहकर कंदमूल और गेठी फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे, बंदर का शिकार कर उसके मांस का भक्षण करते थे, लेकिन यह बात बहुत पुरानी चुकी है क्योंकि शासन व समाज सेवियों के प्रयास से बैगा बिरहोर जनजाति में कई लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा चुका है। लेकिन प्रतापपुर के जवादोहार में कई लोग अब भी नहीं जुड़ पाए हैं और प्लास्टिक नुमा में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। R9 भारत हमेशा की तरह इस बार भी दबे कुचले और सहमे इस तरीके की जिंदगी को झेल रहे लोगों के बारे में आप सभी तक पहुँचा रहा है और दिखा रहा है। कमल चेदर है ना है बेटा, तो कोची करिए सहमन बदे सही रहा है। अपा लाठी के घर है से देख लो बाबू, हमारे घर द्वार यही हुआ और अब नथी बिस्तर उस्तर कुछ ना है बाबू, हमारा ऐसे ही धरती में सोते हैं। ये ठंडा में आप लोग कैसे रात बिताते हैं? ठंडा में ये प्लास्टिक के घर में कैसे रात बिताते हैं? रसम लकड़ी ला के बाबू नान के लकड़ी नान के जोड़ा ही तो वह रस में से तापा ही और जिंदगी बितावा ही। क्या नाम हुआ आपका? मंत्री बैगी। ऐसे नहीं कहा है जो कि टूटल फूटल घर हवा आओ कर बाद भोमा ने सुता ही ने चेदर ने कमल ने आओ कुछ ने आओ कुछ मिल दे नहीं कह रही तो क्या कह रही? नीचे धरती में सोते हैं? हाँ धरती में सोते हैं। बता नहीं दे जो सर बता नहीं दे ही कि एक लोग कोर के लावा ही आओ तो सुखाई दे ही आओ सुखा के पनिया में बोर दे ही बोर के फूल जा हवा ओकरे से जाके खा ही। इतना ही नहीं, इन लोगों को इन्हें रस्सी बनाने, कंदमूल खोजने, शिकार करने के अलावा और दूसरे काम भी नहीं आते हैं। हमको तो कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं, कमल उमल कुछ नहीं है, भले बच्चे ऐसे धरती में लेकर सूत रहे हैं। ऐसे ही कोई ठंडा में जर बुखार ज्यादा हो जा रहा है, उस रेंगन के बाल बच्चा के भी नहीं हम लोग संभाल पाते हैं, क्या करें? हम लोग के कुछ कमल करके कुछ रोजगार नहीं है। तो ऐसा भलाका जीत गया है, बाकी घर घर वोट के समय में घर घर दादा भैया करता है, बाकी आजकल जीतने के बाद में कोई की आँख उठा के गरीब के नहीं देखने चाह रहा है। और हम लोग तो फिर नहीं देगा तो क्या करेंगे? हम लोग गेठे टे ना खा के रहेंगे, क्या करेंगे? ऐसे तो कुछ पानी का साधन भी नहीं है कि कुछ भी करके खेती गृहस्थी कर लें, कि खेहरा पोखरा भी नहीं है, बोरिंग बारिंग नहीं, पहाड़ में भूखले छसन रहे हैं, कुछ व्यवस्था नहीं, तो क्या करें? वही जाते हैं जंगल में टेना गेठी कोड़ते हैं, ढूरा कोड़ते हैं और वही टिखुर उखुर कोड़ते हैं तो वह खा के रहते हैं, बाल बच्चा पड़ल रहते हैं। क्या नाम है? हम लोग के कुछ कमल कमल कुछ है ही नहीं, हम लोग को कमल उमल मिलता था वो नहीं मिला, क्या करें? हम लोग ऐसे ही बरसात में पड़ल हैं यह तरह। क्या नाम है आपका? अरुण नाम हो। इस मामले पर मीडिया कर्मियों के द्वारा सवाल प्रतापपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी मुरली यादव से भी किया गया कि अभी तक उनकी सरकार या अभी तक सरकार के द्वारा जारी की गई योजनाओं का लाभ धरातल पर क्यों नहीं मिल पाया? सभी पंचायत में कंबल का वितरण किया गया परंतु यहां क्यों नहीं हुआ? इस प्रकार के लोगों तक कंबल क्यों नहीं पहुंचा? उनके घर तक भी यह पहुंचाया जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या इन सभी रह रहे लोगों की जिंदगी में सुधार होगा या फिर यह भी हमेशा की तरह मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाएगा। संवाददाता चंदन कुमार के साथ देखें या पूरी रिपोर्ट विस्तार से। जावा दोहर ये हमारा डुमरवार पंचायत का गांव है और जहाँ तक कंबल की बात है, अभी सरकार आपके द्वार का जो शिविर लगा था
मैं अपने हाथों से 15 कंबल वहाँ पर बांटा हूँ, और यदि ऐसा मामला है तो मुखिया से चेक करवा लेते हैं, यदि और लोगों को ज़रूरत होगा तो उनको हम कंबल देंगे। जहाँ तक आवास की बात है, इनका प्रपोजल जो है वो आगे बढ़ाया गया है, और जितने भी हमारे ब्लॉक में बैगा बिरहोर हैं सबका आवास बनाने की कार्रवाई चल रही है, और उनकी जो भी समस्याएं होंगी हम लोग उसको देखकर ठीक कर लेंगे।